अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड में खुलासा हुआ है। आरोपी मोहित उर्फ शनि पुराने को लेकर खुलासा हुआ है। शनि का गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन है, सूत्रीय बता रहे हैं। सुंदर भाटी गैंग के लिए काम कर चुका है आरोपी शनि। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है, हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी से शनि मिला था। अतीक अशरफ की हत्या में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और जो जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है दरअसल वो तुर्की में बनी है। इसी पिस्टल से, जिगाना पिस्टल जो कि भारत में बैन है, इसी पिस्टल से हत्या की गई है। जिगाना पिस्टल की कीमत जो है वो करीब करीब 6 से 7 लाख रुपए बताई गई है। शूटर सनी के तार किसी बड़े गैंग से जुड़े होने की आशंका है। अब इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल तीनों ही आरोपी जिन्होंने सरेंडर कर दिया था गिरफ्त में है, तीनों से ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे पूरे मामले में हो रहे हैं। शूटर सनी के जो तार है वो किसी बड़े गैंग से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। और जिस पिस्टल से हत्याकांड को अंजाम दिया गया दरअसल वो जिगाना पिस्टल जिसका इस्तेमाल हुआ वो तुर्की में बनी हुई है और इसी पिस्टल से हत्याकांड को अंजाम दिया गया आरोपियों की तरफ से। और इस जो पिस्टल है, जिस पिस्टल से जो कि तुर्की में बनी है उसकी जो कीमत है वो करीब 6 से 7 लाख रुपए बताई गई है। लेकिन पुलिस को यह भी आशंका है कि शूटर सनी के तार किसी बड़े गैंग से जुड़े हो सकते हैं। तीनों आरोपी अलग अलग जगह के हैं और तीनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम बड़ा माफिया बनना चाहते थे और इस तरीके से किसी हत्याकांड को अंजाम देकर अपना नाम कमाना चाहते थे।